प्यारे बच्चों नमस्ते, और मैं हूं मंकेश। ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का यूनिट 6 है और ऑलरेडी मैंने 5 यूनिट तक मैंने पढ़ा दिया है, और ये 6 यूनिट है। और मैंने बताया है कि रेमंड मर्फी सर की ये सबसे बेहतर इंग्लिश ग्रामर है, और अगर आप इंग्लिश बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत लाजवाब और बेहतर हो सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ आई डोंट और ये प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव मैंने 5वीं यूनिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, और हमें ऑलरेडी पता है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल का, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और V1 या V5, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये जनरली ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस होता है। और प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट सिंपल, या इसे हम कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस। और इसके जो रूल है, सब्जेक्ट V1 या V5, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब बात करें यहाँ कि वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म, तो वर्ब के पहले फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, और वर्ब का पांचवा जो फॉर्म होता है ये वर्ब के पहले फॉर्म में एस या ई एस जोड़कर हम वर्ब का पांचवा फॉर्म बनाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ देखोगे, इसका यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं, यानी जैसे ही गोज, राम गोज, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा, यानी आई रीड, वे लोग जाते हैं, दे गो, हम लोग नहीं जाते हैं, वी डोंट गो। तो ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब एक चीज़ यहाँ हम पहचान की बात करें, तो पहचान आप सभी को पता है कि जनरली ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि ये। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद से लिखते हैं डू या डस, और उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं नॉट, और उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ यहाँ डू और डज, यानी डू जो फॉर्म है, ये आपको बता दें कि डू ये ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब और एक्जुलरी दोनों वर्ब हैं। तो मेन वर्ब की अगर बात करें, जैसे मैं काम करता हूँ, आई डू, सीता काम करती है, सीता डज वर्क, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्जुलरी वर्ब की हम बात करें, तो ये एक्जुलरी वर्ब में हम केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट डू या डज, और उसके बाद से नॉट। तो देखो, आप देखोगे डू और नॉट, ये इसको नेगेटिव बनाना होगा, तो ये बनाओगे डोंट, और डज और नॉट को अगर लिखना होगा तो ये लिखो डजंट, डजंट, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब एक चीज़ यह हम समझते हैं कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे, या हम अगर बात करें तो प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, ये मैंने बताया। तो ये एक्जुलरी वर्ब है, तो डू और नॉट डोंट होता है, और डज और नॉट ये क्या होता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म, और इसका प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की अगर बात करें, जैसे ही, शी, ईट, या कोई सिंगल काउंटेबल नाउन, या अगर बात करें तो ये हो अनकाउंटेबल नाउन,
देखो, शिव ड्रिंक्स टी, यानी शिव चाय पीती है, बट शी डजंट ड्रिंक कॉफी, लेकिन वह कॉफी नहीं पीती है। यू डोंट वर्क वेरी हार्ड, यू डोंट, अब यहाँ देखोगे यू डोंट, यहाँ यू है इसलिए हमने डू नॉट यानी डोंट का प्रयोग किया। यू डोंट वर्क वेरी हार्ड यानी आप बहुत मेहनत नहीं करते हैं या आप बहुत कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। वी डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, हम लोग अक्सर टीवी नहीं देखते। वी डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, और वेरी ऑफन का मतलब होता है अक्सर, क्या होता है तो अक्सर। अब द वेदर इज यूजुअली नाइस यानी द वेदर, वेदर यानी मौसम, द वेदर इज यूजुअली नाइस यानी जो मौसम है आमतौर पर या यूजुअली नाइस है, अच्छा है, सामान्यतः अच्छा है। एंड इट डजंट रेन वेरी ऑफन, अक्सर बारिश नहीं होती है, अक्सर बारिश नहीं होती, यानी द वेदर इज यूजुअली नाइस यानी जो मौसम जो होता है अच्छा होता है। एंड इट डजंट रेन वेरी ऑफन, और बारिश अक्सर नहीं होती है। अब सैम एंड क्रिस, ये दो पर्सन की बात हो रही है। सैम एंड क्रिस डोंट नो मैनी पीपल, सैम और क्रिस बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं। तो यहाँ दो पर्सन की बात हो रही है, टू पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने यूज़ किया है वी वन यानी डोंट का प्रयोग किया है, नो और यहाँ वी वन यानी सैम और क्रिस बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं। अब आगे सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में हम देखेंगे यहाँ कि आई वी यू और दे, यानी आई का जो मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है हम लोग या हम सब, यू मीन्स तुम या तुम लोग, दे मीन्स वे लोग या वे सब। अब यहाँ तो उसके साथ हम हमेशा डोंट यानी डू और नॉट का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट यानी जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज और नॉट यानी डजंट का। तो आई डोंट लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है, और ही डजंट लाइक फुटबॉल, और उसे फुटबॉल पसंद नहीं है। तो ही के साथ हमने यूज किया डज और नॉट यानी डजंट का। तो क्या यूज करते हैं, ही डजंट लाइक फुटबॉल, उसे फुटबॉल पसंद नहीं है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखोगे अगला सेंटेंस, यहाँ आई डोंट लाइक फ्रेड यानी मुझे, यहाँ देखोगे आई डोंट लाइक फ्रेड एंड फ्रेड, मुझे फ्रेड पसंद नहीं है, एंड फ्रेड डजंट लाइक मी, और फ्रेड मुझे पसंद नहीं करता। तो यहाँ एक सेंटेंस ये, यहाँ देखोगे तो ये आई डोंट लाइक, ये क्लॉज है, इसमें दो सेंटेंस इसमें शामिल किए गए हैं। आई डोंट लाइक फ्रेड यानी मैं फ्रेड को पसंद नहीं करता हूँ, एंड फ्रेड डज नॉट लाइक मी, और फ्रेड मुझे पसंद नहीं करता। तो देखोगे यहाँ आई के साथ हमने यूज किया डोंट का, लेकिन फ्रेड के साथ हमने डजंट का यूज किया, हमने डजंट का यूज किया। तो फ्रेड, अब देखोगे माई कार डज नॉट यानी एक कार की बात हो रही है, तो माई कार डजंट यूज मच पेट्रोल यानी मेरे कार में बहुत पेट्रोल की खपत नहीं होती है, यानी माई कार डजंट यूज मच पेट्रोल यानी मेरे कार में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है। समटाइम्स कभी कभी ही इज लेट, वह कभी कभी लेट रहता है, बट इट डजंट हैपन वेरी ऑफन, लेकिन वह अक्सर लेट नहीं करता है, या इट डजंट हैपन वेरी ऑफन, अक्सर ऐसा नहीं करता। तो ये इट के साथ हमने यहाँ यूज किया डजंट, यानी ही सी इट के साथ हम हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं, यानी वर्ब के पहले फॉर्म में एस या एस का हम यूज करते हैं। अब सेक्शन सी की हम बात करते हैं, यहाँ वी यूज डोंट एंड डजंट, और यानी डोंट और डजंट की बात हम इन्फिनिटिव यानी डायरेक्ट हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे डोंट लाइक, डोंट, डज नॉट स्पीक, डजंट डू, आई डोंट लाइक वॉशिंग द कार यानी मुझे कार धोना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक वॉशिंग द कार यानी मुझे कार धोना पसंद नहीं है, आई डोंट डू इट वेरी ऑफन, मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। यस डोंट है, मैं अक्सर ऐसा
नहीं करता हूँ। अब यहाँ देखोगे शारा स्पीक्स स्पेनिश, शारा स्पेनिश बोलती है, यानी स्पेनिश एक लैंग्वेज है जो स्पेन में बोली जाती है, यानी सारा या थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज किया है। तो सारा स्पीक्स स्पेनिश, सारा स्पेनिश बोलती है, बट सी डजंट स्पीक इटालियन, लेकिन वह इटालियन नहीं बोलती है या इटालियन लैंग्वेज नहीं बोलती है, यानी इटालियन ये इटली की लैंग्वेज है, भाषा। अब एक चीज़ यहाँ देखोगे, अगला जो सेंटेंस है यहाँ देखो, डेविड डजंट डू हिज जॉब वेरी वेल, डेविड अपना काम बहुत अच्छा से नहीं करता है, डेविड डजंट डू हिज जॉब वेरी वेल, यानी डेविड, तो डेविड है और डेविड के साथ हमने वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज किया, यानी डज यानी डू में हमने एस या यस यूज किया है, तो डेविड डजंट डू हिज जॉब वेरी वेल, डेविड अपना काम बहुत अच्छे से नहीं करता है। पॉला, अब यहाँ देखोगे अगला जो सेंटेंस है पॉला है, यहाँ पॉला के साथ हमने डज नॉट यानी डजंट यूज किया, पॉला डजंट यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट, यानी पॉला आमतौर पर या सामान्यतः ब्रेकफास्ट नहीं करती है, नाश्ता नहीं करती है। तो पॉला, तो मैंने बताया आप सभी को कि कभी भी ही सी ईट या कोई सिंगल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं वर्ब का पांचवा फॉर्म। आई होप कि यूनिट 6 आप सभी को समझ में आया होगा, और अगला जो यूनिट होगा ये 7 यूनिट होगा।